नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज मार्केट में हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है और इस भारी गिरावट के पीछे का असली रीजन क्या है उसे जानने की कोशिश करेंगे और ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए अगर आपने मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है या फिर अगर आपके पास कैश है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट बेचकर निकल जाना चाहिए, क्या कैश डिप्लॉय करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यहां पर मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर लेकर आया हूं, जबकि आर्टिकल है सेंसेक्स फेल्स टू होल्ड 40,000 फोर फैक्टर्स दैट कुड बी वेइंग डाउन मार्केट। तो यहां पर कौन सा है वो चार फैक्टर्स उसे यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और चीज है यहां पर दिया गया है, मार्केट वुड ऑल्सो वॉच आउट फॉर द आउटकम ऑफ द मीटिंग बिटवीन द सेबी एंड विद ब्रोकर्स लीडिंग कॉर्पोरेट्स एक्सचेंजेस। यहां पर न्यू मार्जिन प्लेज एंड रीप्लेज सिस्टम के बारे में बात हो रही है। जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था तब ये न्यूज नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद ये न्यूज आ चुकी है कि सेबी ने कंफर्म कर दिया है कि कल से यानी कि 1 सितंबर 2020 से ये नया रूल लागू हो जाने वाला है। तो इस पर भी मार्केट की नजर बनी रही थी और ये रूल ऑलरेडी लागू हो चुका है और कल से हमें नए रूल समय देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला रीजन जो यहां पर दिखाई दे रहा है वो है बॉर्डर टेंशन। इंडियन मार्केट्स रिवर्स गेन आफ्टर टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर नियर लद्दाख एस्केलेटेड। तो यहां पर हमें मिलिट्री मूवमेंट्स देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला काम इन्वेस्टमेंट को मार्केट को साइड में रख के हमें यहां पर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे इंडिया के जो ब्रेव सोल्जर्स है जो कि हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बॉर्डर पर हमारी यहाँ पर रक्षा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें भगवान शक्ति दे कि वो चाइनीज ट्रूप से यहाँ पर लड़ पाए। एज अ सिटीजन हमारी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इतना तो देश के लिए कर ही पाए। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दूसरा जो रीज़न दिखाया जा रहा है वो है प्रॉफिट बुकिंग। हालांकि मेरा मानना है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा रीज़न है वो बॉर्डर टेंशन ही है, प्रॉफिट बुकिंग तो उसकी वजह से ही आया है। नेक्स्ट है यहाँ पर GDP डेटा एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट। मैंने ये पढ़कर मुझे लगा सीरियसली, ये तो पहले से ही हमें पता था कि GDP डेटा वॉज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये रीज़न तो नहीं है। मेरा मानना तो यही रहेगा जो मेन रीज़न है वो बॉर्डर टेंशन का ही रीज़न है। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। GDP डेटा तो हमें पता ही था कॉन्ट्रैक्ट होने ही वाला है, तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि GDP डेटा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इसीलिए मार्केट में यहाँ पर पैनिक आ चुका है, मार्केट में गिरावट आने वाली है। तो यहाँ पर गिरावट सिर्फ और सिर्फ GDP डेटा की वजह से हो रही है, तो यह इसे मैं टोटली यहाँ पर डिसएग्री करना चाहूँगा। सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर टेंशन की वजह से ही यहाँ पर गिरावट आ रही है, ऐसा मेरा मानना है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ब्रॉडर मार्केट्स अंडर प्रेशर। तो यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट्स अंडर प्रेशर दिखाई दिया है, इसी वजह से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो रीजंस तो हमने जान लिए, लेकिन अब क्या करना चाहिए वो भी चार्ट्स पर जाते हैं और लेवल्स को जो देखते हैं, कौन से सपोर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि ऑलमोस्ट यहां पर हमें गैप अप ओपनिंग तो देखने को मिली ही थी, साथ ही साथ 11,800 के आसपास निफ्टी 50 पहुंच चुका था। लेकिन जो क्लोजिंग हमें आज देखने को मिली है वो देखने को मिली है 11,400 के भी नीचे, यानी कि 400 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। और आप देख पाएंगे पिछले एक हफ्ते में जो हमें पॉजिटिव गेंस देखने को मिले थे, एक ही दिन में गिरावट देखने को मिल चुकी है। काफ़ी लोग यहाँ पर कह रहे हैं तेज़ी बरकरार रहेगी, बरकरार रह सकती है, लेकिन हमें कभी भी वन साइडेड बुलिश या फिर वन साइडेड बियरिश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आँखें खुली रखनी चाहिए, कौन सी भी न्यूज़ कैसे भी यहाँ पर मार्केट को इफेक्ट कर सकती है। और गिरावट तो होनी ही थी, यहाँ पर पी रेशियो ऑलमोस्ट 33 के आसपास पहुँच चुका था, इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन देखने को मिल चुका था, तो यहाँ पर गिरावट तो बनती ही थी। और बॉर्डर टेंशन यहां पर ट्रिगर कर दिया, कौन सी भी एक छोटी न्यूज की ही जरूरत थी मार्केट को, और ये बॉर्डर टेंशन की न्यूज आ गई और यहां पर हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पर दिखाई दे रहा है जो कि है इसका 20 डेज का ईएमए। येलो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है वो है 20 डेज का ईएमए। यहां पर निफ्टी 50 बार बार उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है, वापस यहां पर हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। और आज जो गिरावट देखने को मिल रही है, एक ही दिन में निफ्टी 50 अपने 20 डेज के ईएमए के आसपास आ चुका है और उसी लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है। तो जानने वाली बात यह है कल का दिन कैसा जाता है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिली थी। मैं मार्क कर रहा हूं, आप देख पाएंगे हमें उसके नीचे जाता हुआ नजर आया था, लेकिन मैंने आपको तभी भी कहा था कि कंफर्मेशन की हमें यहां पर जरूरत है, आगे वाला दिन भी हमें यहां पर नीचे ही देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तेजी कंटिन्यू रही थी। तो यहां पर कल का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल या फिर परसों का दिन भी, क्योंकि यहां पर
हमें अगर गिरावट होती है, अगर 20 डेज का ईएमआई डिसाइसिवली यहाँ पर टूट जाता है तो हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आगे के जो सपोर्ट्स है वो है 50 डेज का ईएमआई, जो कि कैलकुलेट होकर आता है 10,991, यानी कि 11,000 के लेवल पर हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सपोर्ट है इसका 200 डेज का और 100 डेज का ईएमआई, ब्लू लाइन और रेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। निफ्टी 50 ने पहले भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था जो था 10,700 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर निफ्टी के सपोर्ट्स के बारे में तो हमने बात कर ली है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहां पर अगर आपने स्टॉक्स लेकर रखे हैं नीचे के प्राइस पर, अभी आप काफी ज्यादा प्रॉफिट में चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा नीचे से आपने यहां पर बॉटम फिशिंग की है, अच्छे स्टॉक्स लेकर रखे हैं तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, यहां पर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा हैवीली इन्वेस्टेड हैं किसी एक ही स्टॉक में, पर्टिकुलरली एक ही स्टॉक में बहुत ही ज्यादा हैवीली इन्वेस्टेड हैं, तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। ये मैं अब से नहीं, बहुत समय से यहां पर बता रहा हूं। और साथ ही साथ अगर आपके पास बिल्कुल भी कैश नहीं है तो भी आपको यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैश ही है, दूसरा कुछ नहीं है यहाँ पर अभी फिलहाल, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होकर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 तो अभी बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल हो चुका है, 11,000 के ऊपर तो फिलहाल चल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि तुरंत ही निफ्टी 50 यहाँ पर 8,000 वापस आ जाएगा तो इसके चांसेस फिलहाल तो कम दिखाई देते हैं, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये बात हमें याद रखनी है। स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, आपको कई ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो कि काफी नीचे के प्राइस पर है। आज काफी ज्यादा गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है, जो स्टॉक्स काफी ज्यादा भाग चुके थे उनमें ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। एक एग्जांपल लेना चाहूंगा दीपक नाइट्रेट का, आपको पता ही होगा पिछले कुछ दिनों में दीपक नाइट्रेट ने काफी ज्यादा तेजी हमें दिखा दी थी, तो वहां पर हमें बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली, 10% के आसपास गिरावट देखने को मिली, जबकि हमें पीडिलर इंडस्ट्री इतना ज्यादा भागा नहीं था वो स्टॉक। इन कंपैरिजन टू दीपक नाइट्रेट हमें पिडिलाइट इंडस्ट्री इतना ज्यादा भागता हुआ नजर नहीं आया था, तो हमें पिडिलाइट इंडस्ट्री में गिरावट भी कमी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, जो काफी ज्यादा रनअप हो चुके हैं, जो काफी ज्यादा भाग चुके थे उनमें थोड़ा सा और गिरावट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये सिचुएशन को हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए, मिलिट्री अगर एक्शंस कोई होता है तो यहाँ पर आर्मी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट आएगा तो मैं आपको जरूर नोटिफाई करूंगा, और सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर जरूर पोस्ट करूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।